गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? पता नहीं महाराज, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो चमचम चुड़ैल यहीं आसपास है। वो अब हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगी मुंजा। अरे अरे, मेरा खरगोश, मेरा खरगोश। अरे रो मत बेटी, रो मत, शांत हो जाओ। वो चमगादड़ मेरा खरगोश ले गई। बहुत मुझे सताया था, तुमने मुझे मार के भगाया था, इसका तो हो गया काम तमाम। अब देख मेरा अंजाम। क्या सोच रहा है विक्रम? मैं वही चुड़ैल चमचम, तेरे मुंजा को ले गई है मेरी माँ चमचम। महाराज सुनिए। क्या है? यदि आप मुझे छोड़ने का वचन दें तो मैं आपको इस चुड़ैल से बचा सकता हूँ। यदि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम फिर निर्दोष लोगों को तंग करोगे। नहीं 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 महाराज, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं वचन देता हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। ठीक है। ये क्या चक्कर है? आज विक्रम से टक्कर है। ले संभाल। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, मेरी माँ चमचम, बचा बचा, फंस गई तेरी चमचम। छिपी होगी तेरी माँ किसी झाड़ के पीछे, क्योंकि आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी? तुम जो भी हो सुन लो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मेरे मुंजा को लौटा दो, मैं इसकी आंखें लौटा दूंगा। दे दो, दे दो माँ, मुंजा को लौटा दो। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिएगा। नहीं मुंजा, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता।
मैं भी अपना बदला नहीं भूल सकती विक्रम। ये जादुई लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। यही करता हूँ। महाराज महाराज, इसकी टांगे और इसकी चोटी काट दीजिए। चलो, इनका किस्सा तो खत्म हुआ, अब इनका क्या करें महाराज? नहीं नहीं नहीं, अब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें हम जरूर छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ से लौटने के बाद। लेकिन तब तक तुम्हें हमारा सेवक बनकर रहना होगा। आप मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, लेकिन लेकिन मुझे भूख बहुत लगती है। उसकी चिंता तुम मत करो, ये लो। मेरे बस में है हवा पानी और आवाज। टम टम टमाक, टम टम टमाक, नहीं जा पाएगा वो इस किले के उस पार। चला गया तो बच नहीं पाएगा इस बार। वो रहा महाराज महल। कितना अजीब महल है ये, इसके चारों तरफ कितनी गहरी खाई है। डम डम डमा के डम डम डमा।
क्या हुआ मुंजा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ महाराज, लेकिन अब मैं साको पार नहीं कर पाऊंगा। चिंता की कोई बात नहीं है महाराज, इस पर आपका कोई असर नहीं होगा। लेकिन मुंजा, मैं इस खाई को कैसे पार करूंगा? इसका भी उपाय मेरे पास है। इसका नाम है उछल कूद चरणदास। इसे जो आप आदेश देंगे वही ये मानेंगे। ठीक है। उछल कूद चरणदास, पहुंचा दे किले के आसपास। दमा, मेरे बस में है हवा, पानी और आग। डम डम दमाक, डम डम दमा, देखा मेरा दिमाग। उछल कूद चरणदास, अब दिखा दो अपना कमाल खास। हाँ, कुछ तो है, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। महाराज, मुझे यहाँ से निकाल पाना आसान नहीं है। वो तांत्रिक कौन है और कहाँ है? वो आपका पुराना दुश्मन डम डम दमाक है। इसी पर्वत की दूसरी चोटी पर उसका डेरा है। ये सारा माया जाल उसने आपसे बदला लेने के लिए रचा है। ठीक है। आपने मेरी जान बचाई महाराज विक्रम, धन्यवाद। आइए, अब मैं आपको ले चलूंगा। आ जाइए, मेरे कंधों पर बैठ जाइए। जलाइएगा, मैं
ठीक है तो भेजो। जाओ ले जा। जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव, तेरी प्रसन्नता ही मेरा जीवन है। जय काल भैरव। है काल भैरव का मंदिर, चलो मुंजा। नहीं महाराज, जब तक वो काल भैरव की पूजा कर रहा है तब तक हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर क्या करें? हमें उसे मंदिर से बाहर लाना होगा। सुनो तुम आज तब तो वो जरूर बाहर आ जाएगा। अरे ओ कायर, धोखेबाज, तू भाई है या कसाई? निकल बाहर, क्या छिपा बैठा है? हिम्मत है तो आकर मुकाबला कर। अरे तू क्या बाहर निकलेगा डरपोक चूहे? मैंने तुझे भाई समझ कर छोड़ दिया था, लेकिन अब तू वापस आ गया मरने के लिए। आज तुझे बता ही देता हूँ कि कौन शेर है और कौन चूहा। अरे ओ डरपोक चूहे,